दोस्तों, कबूतर पालने की शुरुआत कैसे करना चाहिए? किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कबूतर पालने की शुरुआत करते हो? कौन सा कबूतर खरीदना चाहिए? कितने जोड़े कबूतर खरीदना चाहिए? इस सब वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाल बटन आपको दिख रहा होगा, उस लाल बटन को एक बार दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक वो वीडियो पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये है कि कबूतर लाने से पहले आप कबूतर का घर जरूर बना लें, क्योंकि सबसे पहले हमें बिल्ली से बचाना होता है कबूतरों को, जब भी आप कबूतर की पालने की शुरुआत करते हैं, वरना आपका जो शौक़ है वो ख़राब हो जाएगा और आपके कबूतर भी मारे जाएंगे अगर आपके पास एक सुरक्षित लॉफ्ट नहीं है तो। और उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आप कौन सा कबूतर पालना चाहते हो? अगर मैं सजेशन दूं तो आपको सबसे अच्छा रहेगा देसी कबूतर, जिसे हम काबली कबूतर कहते हैं या गिरेबाज कबूतर कहते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप देसी कबूतर से शुरुआत करें। जो अभी इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो दोस्तों, ये सारे के सारे देसी कबूतर हैं। और देसी कबूतर मतलब दोस्तों, ये हाई फ्लायर हैं, 4 से 5 घंटे आसमान में उड़ते हैं अच्छे खासे दोस्तों। और इन कबूतर के एक खासियत ये होती है कि दोस्तों, ये आसानी से नए जगह पे अपना बसेरा मतलब घर बना लेते हैं, वो अपनी जगह को अच्छे से पहचान लेते हैं और ये आपको सस्ते दामों में भी मिल जाया करेंगे दोस्तों। अगर आप कबूतर पालने की जब शुरुआत ही करने चाहते हो तो क्यों हम ज़्यादा पैसे को फंसाएं? क्योंकि शुरू में दोस्तों हमें ये मालूम नहीं होता है कि हम कबूतर को कैसे केयर करें, क्या देना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कौन अगर वो बीमार पड़ा तो कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। तो इन बातों के लिए दोस्तों आप क्यों ना शुरुआत नीचे से करो। तो मेरा यही मानना है कि दोस्तों आप देसी कबूतर से ही शुरुआत करो। अब देखो दोस्तों, आपने लॉक तो बना लिया, अपने कबूतर भी सिलेक्ट कर लिया, अब आपको कबूतर लेना कहाँ से है और कितने जोड़े कबूतर लेने हैं और कौन से पट्ठे लेने हैं या ब्रीडर लेने हैं वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छा वही रहेगा कि आप अपने जानने वाले से कबूतर खरीदें और अगल बगल की छत से बिल्कुल ना खरीदें। ऐसा नहीं है कि आप उसे आप जान रहे हो तो आपके छत से सटा हुआ कबूतर है और आप वहाँ से कबूतर कभी ना खरीदें, क्योंकि दोस्तों उसे आप 6 महीने भी पर काट के रख लो या पर बांध के रख लो, वो कबूतर आपके छत पे नहीं टिकेगा। अगर आप नए शौक करते हो तो इन बातों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि अपने बगल वाली छत पे बिल्कुल ना खरीदना कबूतर। कम से कम दोस्तों, जब भी आप कोई कबूतर खरीदें तो काफ़ी दूरी से खरीदें, 5-10 किलोमीटर दूर हो तो और अच्छा है, अगल बगल से तो बिल्कुल ना खरीदें। क्योंकि दोस्तों वो कबूतर घर के पक्के होते हैं, आपको वो बेच देगा, वो कबूतर भाग जाएगा और वो आपको वापस नहीं देगा। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे भाई अपने बाजू वाले छत से खरीद लेते हैं और कबूतर भाग के उनके छत में चला जाता है और परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरा कबूतर भाग गया। दोस्तों, आप ब्रीडर कबूतर खरीदें, 4 से 5 जोड़ा कबूतर खरीदना, आपको ब्रीडर कबूतर खरीदना है, ठीक है। और नर और मादा बिल्कुल कन्फर्म खरीदें, ऐसा नहीं कि आपने नर ही उठा लिया या मादा उठा लिया। दोस्तों, कबूतर नर और मादा ब्रीडर कबूतर खरीदें और जोड़ा लगाएं अच्छे से कबूतर के लॉफ्ट के अंदर, फल की पेटियां लगाएं और इसमें मिट्टी के बर्तन डालने, अपने कबूतर के जोड़े सेट करें और जोड़ा लगाने के बाद उसे आप ब्रीडिंग के लिए यूज करें। कबूतर लाने के बाद दोस्तों, ठीक है, जब भी आप कबूतर लेके आते हैं या तो उसका पर कैच कर सकते हो, कैची से 2 पर शुरू के छोड़ देना और 4 पर उसके कैच कर देना, या उसके पर निकाल सकते हो आसानी से उसके पंख पकड़ के, जिससे ये हुआ कि वो नए पर अपने 45 दिन में ले आएगा और अपने वो नए जगह को पहचान लेगा। और आपको मतलब जिस लॉफ्ट में रख रहे हो, आपको जहाँ कबूतर हिलाने हैं उसके बाहर दाने खिलाएं। लॉफ्ट कैसे नहीं कि आपने लॉफ्ट के अंदर दाना खिला दिया, तो दोस्तों सबसे ज़रूरी ये है कि जब आप कबूतर को कैच करते हो तो उसको अपना छत दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। छत दिखाओगे ताकि वो वहाँ पर कभी भी उड़ता है तो वो वापसी करेगा। आपको कबूतर दोस्तों ऐसा नहीं कि पूरा दिन खोल के रहना है, कबूतर के टाइमिंग बना लें, सुबह के समय खोलें और एक शाम के समय खोलें। अब कबूतर को दाना में खिलाना क्या है दोस्तों, कबूतर को दाने में आप बाजरा डाल सकते हो, गेहूं डाल सकते हो, मक्का डाल सकते हो, मूंग की दाल डाल सकते हो, सरसों डाल सकते हो। इन सब चीज़ों को आप दाना को एक जगह मिक्स कर लें और कबूतर को सुबह और शाम अपने ट्रे में दाना को डालें।
से अपने कबूतर पालने की शुरुआत कर सकते हो। और कम से कम शुरुआत में मैंने बता दिया कि आपको 4 से 5 जोड़ी कबूतर खरीद के लेके आना है, कम से कम 4 से 5 जोड़ा कबूतर लेके आए और उसे ब्रीड कराए, उससे आपको छत पे काफ़ी सारे कबूतर हो जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कबूतर से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हमेशा आप लोगों के लिए मैं शेयर करता रहता हूँ।